गैजेट 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रणय और आप देख रहे हैं टेक आपकी जुबा में। अब ये जो शो है हम हर शनिवार को बनाते हैं और इसमें हम आपके लिए टॉपिक्स चुनते हैं बेस्ड ऑन आपके जो कमेंट्स वगैरह आते हैं हमारे वीडियोस पे। आप बताते हैं हमें इस पे वीडियो बनाओ, उस पे वीडियो बनाओ, इस पे चर्चा करो, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम ये एपिसोड्स बनाते हैं। अब इस हफ्ते का विषय है व्हाट्सएप पेमेंट्स, जो भारत में अभी लॉन्च हो गया है, मतलब धीरे धीरे रोल आउट हो रहा है। आप में से कुछ लोगों के स्मार्टफोन में आ चुका होगा, कुछ लोगों का अभी तक नहीं मिला होगा। तो ये जो प्रोसेस है शुरू हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि भारत में जितने सारे व्हाट्सएप यूजर हैं कुछ दिनों में उन सबको व्हाट्सएप पेमेंट इस्तेमाल करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये फीचर क्या है, कैसे चलता है, आप कैसे इनेबल कर सकते हैं, इसके फायदे क्या हो सकते हैं, क्या कमियां हो सकती हैं इसमें, इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस एपिसोड में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती कर दूं कि चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम नए वीडियोस बनाते हैं। और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, बहुत प्रोत्साहन मिलता है उससे। और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए वीडियो ताकि उनको भी पता चले कि व्हाट्सएप पेमेंट्स के बारे में क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छी जानकारी मिल सकती है आपको इंटरनेट पे, उनको यहाँ पर मिल जाए सारी की सारी। तो इसीलिए हम कहेंगे कि आप उनके साथ में वीडियो शेयर भी कर दीजिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक और चीज़ आपसे कह दूंगा कि आप में से कुछ लोगों ने हमको पूछा है कि हमारे सवाल आप क्यों नहीं लेते हैं। सवाल लेने का एक ही हमारे पास उपाय है यहाँ पर कि आपके जो कमेंट्स आते हैं मैं सारे पढ़ता हूँ, रिप्लाई करने का कभी समय नहीं मिलता है क्योंकि बहुत काम होता है, वैसे वीडियोस वगैरह बनाने में भी टाइम लगता है। लेकिन आप देख लीजिए, बुधवार गुरुवार को हम एक YouTube पर कम्युनिटी पोस्ट करते हैं। तो youtube.com/gadget360hindi पे जाइए, वहाँ पे कम्युनिटी टैब पे क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको पोस्ट दिख जाएगा नया वाला, तो उसमें आप कमेंट कर दीजिए और आपका सवाल यहाँ पर जरूर लिया जाएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सारे सवालों के जवाब यहाँ पर मिल जाए। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं बात व्हाट्सएप पेमेंट्स के बारे में। तो व्हाट्सएप पेमेंट्स क्या होता है? अब व्हाट्सएप पेमेंट्स एक UPI का ऐप है जो व्हाट्सएप के ऐप के अंदर ही बना हुआ है। अब आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा कि गूगल पे, फोन पे, इनके एड्स वगैरह आते रहते हैं और उसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐप्स हैं, पेटीएम में भी UPI है, फिर एयरटेल का भी खुद का UPI ऐप है, तो ऐसे बहुत सारे UPI ऐप्स हैं। आपके बैंक से भी आपको मिले होंगे, जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन सारे बैंक के ऐप में और SBI में भी UPI का फीचर आपको मिल जाता है। तो UPI क्या होता है? UPI का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। और ये आप कैसे कह सकते हैं कि नेट बैंकिंग जो आप करते थे, ट्रांसफर वगैरह, नेट बैंकिंग से पैसे भेजना है किसी को, बेनिफिशियरी ऐड करो, आधा घंटा इंतजार करो, फिर उसके बाद में उनको पैसे भेजो, ये पूरी प्रोसेस बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए अभी NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने बना दिया है एक ऐप, इनकी एक इंटरफेस जिसका नाम है UPI। अब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से क्या होता है कि आप पैसे इमीडिएटली भेज सकते हैं किसी को भी, एक कोई लिमिट उन्होंने सेट करके, जहाँ तक मुझे याद है 2 लाख की लिमिट है उसमें एक ट्रांसफ़र में, तो 2 लाख रुपए से कम आप अगर अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आपके लिए ये सही होगा। और उसमें भी बैंक टू बैंक ये वेरी करता है, कुछ बैंक्स ने बोला है कि आप अगर हमारा ऑफिशियल ऐप यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कुछ बैंक्स का कहना है कि अगर आप फोन पे, गूगल पे वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप 10,000 या 20,000 ही ट्रांसफ़र कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ऐसे अलग अलग लिमिट्स दिए हुए हैं अलग अलग बैंक्स ने। तो बेसिकली UPI से आपको अगर पैसे भेजने हैं किसी को भी तो वो काफ़ी आसानी से हो जाता है। बस उसमें कंडीशन यही है कि आप UPI पे हो और सामने वाला भी UPI पे हो। अगर दोनों में से कोई भी UPI में साइंड अप नहीं है, रजिस्टर नहीं किया उन्होंने, तो फिर आप पैसे उनको ऐसे नहीं भेज पाएंगे। और उसके बाद में UPI जब आया भारत में, तभी मैं तो बहुत खुश था क्योंकि भीम नाम का ऐप सबसे पहले आया था UPI के साथ में, और उसके बाद में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ऐप्स आ गए थे। अब फोनपे, गूगल पे काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं, पेटीएम में भी ये फीचर है। तो ये सारे ऐप से क्या होता है कि आप किसी को अगर पैसे भेजना चाहते हैं बहुत ही आसानी से आप भेज सकते हैं, और रिसीव करने के लिए भी बहुत अच्छा है। इससे पूरी वो एक प्रॉब्लम थी ना कि मैं तुम्हें पैसे कैसे भेजूं, और वो बैंक ट्रांसफर के लिए एक बार किसी को पैसे भेजने, फिर से बेनिफिशियरी ऐड करो, इंतजार करो, वो सारी प्रॉब्लम पूरी तरह से हट चुकी है। तो इससे मैं काफ़ी खुश हूँ UPI इस टेक्नोलॉजी से। और अभी ये WhatsApp के ऐप में आ रही है, तो इसके क्या मतलब अलग अलग जो इम्प्लीकेशंस होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो WhatsApp में नंबर 1 चीज़ आपको ये जाननी है कि WhatsApp पेमेंट्स आने की कोशिश बहुत दिनों से कर रहा है, तो बहुत सारे ऐसे जो कहते हैं ना कि रेगुलेटरी हर्डल्स थे उसके सामने जो वो पार नहीं कर पाया था अब तक, लेकिन अभी फाइनली उसको अप्रूवल मिल चुका है, तो ये इस ऐप में अभी पेमेंट्स के फीचर आ जाएंगे। अब नंबर 1 चीज़ आपको करनी है WhatsApp ऐप में जाके, अगर आपको मिल रहा है वो पेमेंट्स का एक टैब अलग से आ जाता है वहाँ पर, तो वहाँ जाके आपको पेमेंट्स एनेबल करनी पड़ेगी, यानी बेसिकली अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना पड़ेगा उसे। तो अगर आपका जो WhatsApp नंबर है, यानी कि आप एक नंबर यूज़ कर रहे हैं WhatsApp पे, वही नंबर आपके बैंक में भी आप यूज़ कर रहे हैं नेट बैंकिंग वगैरह के लिए, या फिर आपके बैंक में रजिस्टर करके रखा है आपने आपके खाते के साथ में, तो फिर UPI से आसानी से लिंक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और एक बार आपने लिंक कर दिया, उसके बाद में आप WhatsApp के द्वारा दूसरे लोगों को आप पेमेंट भेज सकते हैं। अब 2 टाइप की पेमेंट्स होती है, एक तो होती है WhatsApp टू WhatsApp, यानी कि अब WhatsApp के जो यूज़र हैं अलग अलग, जैसे कि मैं हूँ WhatsApp में, मेरा नंबर आपके पास में है और आप भी WhatsApp में हो और आपके पास मतलब आपको मुझे पैसे भेजने हैं, तो पेमेंट्स में जाइए, आप मेरा नंबर सर्च कर लीजिए या फिर मेरे नाम से सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आपको पे करने का ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि WhatsApp से आप दूसरे ऐप्स, यानी फ़ोनपे, गूगल पे, ICICI पे,
जितने भी ऐप्स हैं अलग अलग के, उन पे आप भेजें पैसे, तो उसका भी ऑप्शन आपको मिल जाना चाहिए इसमें अगर आपके पास आ गया है तो। लेकिन वो वाला जो प्रोसेस ना थोड़ा सा छुपा के रखा है। अब ये मेरी एक शिकायत है सारे UPI ऐप से। तो देखिए आप, जैसे कि आसानी से बताने का ये तरीका होगा कि आप गूगल पे ऐप बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, आप भी शायद करते होंगे, उसमें जाके देखिए कि अगर आपको किसी फोन पे यूज़र को भेजने हैं पैसे, UPI ID के थ्रू आप भेजेंगे, तो UPI ID फोन पे में कैसा होगा, कुछ भी होगा, जैसे gadgets360@YBL ये फोन पे का UPI ID होगा किसी का, तो इस UPI ID के द्वारा आप गूगल पे से भेजने की कोशिश कीजिए पैसे, आप देख लेंगे अगर आप एक्चुअल में मतलब इतना कंफ्यूज हुए बिना एक शॉट में भेज सकते हैं पैसे, तो मैं मानने को तैयार हूँ कि आप एकदम टेक एक्सपर्ट हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को और मुझे भी बहुत ढूंढना पड़ता है ये ऑप्शन, उन्होंने थोड़ा छुपा के रखा है, आसानी से मिलता नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी और गूगल पे यूज़र को ही पैसे भेजने हैं, इमीडिएटली एक फ़ोन नंबर डाल दीजिए और झट से पैसे भेज सकते हैं आप। तो ये जो चीज़ काफ़ी सारे ऐप्स कर रहे हैं ना, ये सही नहीं है, क्योंकि UPI का एक कोर प्रिंसिपल है इंटरऑपरेबिलिटी, यानी कि एक ऐप से दूसरे ऐप के बीच में पैसे भेजना काफ़ी आसान होना चाहिए। और ये मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर ऐप्स में ये फीचर उन्होंने थोड़ा छुपा के रखा है, वो चाहते नहीं है कि आप उनके इकोसिस्टम से बाहर जाएं, भले ही कितना ही सिक्योर हो, क्यों उनको रोकना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप ईमेल भेज रहे हो किसी को, तो आप सिर्फ जीमेल वालों को ईमेल भेज सकते हो, आप याहू आउटलुक जो भी है किसी को भी ईमेल नहीं भेज सकते। उनको भेजना है आपको, तो आपको 4 स्टेप एक्स्ट्रा क्लिक करना पड़ेगा तब आप ईमेल भेज पाएंगे, तो क्या ये सही होगा। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूं कि आप बैंक ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो अपने बैंक को छोड़ के दूसरे बैंक में अगर आपको करना है, तो ऑप्शन में छुपा के रख दिया कहीं पर, आपको 15-20 बार क्लिक करना पड़ेगा, सपोर्ट में जाना पड़ेगा, FAQ में जाना पड़ेगा, गूगल करके देखना पड़ेगा कि ऑप्शन कहाँ मिलता है, और फिर ही आप कर सकते हैं, तो क्या ये सही होगा, नहीं होगा ना। उसी तरह से ये जो UPI में जो इंटरऑपरेबिलिटी को थोड़ा छुपा के रखा है इन थर्ड पार्टी ऐप्स ने, इससे मैं थोड़ा खुश नहीं हूँ। अब WhatsApp पेमेंट्स पर वापस आते हैं, तो WhatsApp पेमेंट्स के आने से फायदा ये होगा कि जिस तरह से चाइना में WeChat नाम का एक ऐप है जो बहुत फैल चुका है, यानी कि उनका सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है, उसमें पेमेंट्स कितने आसानी से हो जाते हैं, उसी तरह से WhatsApp भारत में कर सकता है, काफ़ी पोटेंशियल है इसमें। अभी हमने बहुत पहले देखा था कि Paytm ये ऐप बनना चाहता था, डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था उसके बाद में बहुत ऐसी उम्मीद थी कि Paytm ये ऐप बन जाएगा जो पूरा देश यूज़ करेगा पेमेंट्स के लिए। अब उतनी ग्रोथ तो हो नहीं पाई है Paytm की, लेकिन Paytm के पास में सब कुछ है, सिर्फ एक ऐसा चीज़ नहीं है कि मतलब मैं रोज़ Paytm क्यों खोलूँ, मतलब अगर मुझे पेमेंट करनी होगी तो मैं Paytm खोलूँगा, बैलेंस वगैरह चेक करना होगा तो मैं Paytm खोलूँगा, लेकिन एज सच Paytm खुद से खोलने का कोई ऐसे रीज़न नहीं दिख रहा है मुझे। अगर पेमेंट्स का स्पेसिफिक काम होगा तो ही मैं खोलता हूँ ऐप, या फिर कोई बुकिंग वगैरह करनी होगी तभी, ज़्यादातर केसेस में Paytm में डेली नहीं खोलूँगा। लेकिन WhatsApp क्या है, मैसेज करना है किसी को भी, मैं वैसे भी खोल ही रहा हूँ मैं, तो उसके कारण क्या होता है ऐप में यूज़र रिटेंशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप बार बार उस ऐप को खोलते हैं, और उसके बाद में आप एक बार जब आप यूज़ करना शुरू करते हैं पेमेंट्स का टैब वहीं पे दिख जाएगा और आप पेमेंट करने भी लग जाएंगे। तो इसीलिए WhatsApp के पास में वो ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और इसके कारण मैं काफ़ी हद तक उत्साहित हूँ WhatsApp पेमेंट से क्या होता है आगे जाके, उसे क्या होगा, बहुत सारे लोग हैं ना ऑनलाइन आ जाएंगे, इनके सबके हाथ में पेमेंट एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी भी आ जाएगी। तो जैसे कि सबसे बड़ी उम्मीद मेरी ये है कि आजकल जो लॉकडाउन वगैरह चल रहा है हर जगह में, तो कैश इस्तेमाल करने में थोड़ा डर सा लगता है कि नहीं भाई, मतलब हम बाहर जा रहे हैं कुछ सामान वगैरह खरीदने के लिए, अब घर पे रहेंगे आप तो दाल चावल तो लेके ही आएंगे, फल सब्जी तो लाना ही पड़ेगा आपको, तो ये सब खरीदने जा रहे हैं हम, देख रहे हैं कि ये जितने भी वहाँ पर मार्केट में लोग बेच रहे हैं, या फिर जो बिना मास्क के लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी सारे लोग जो आते हैं दूसरे खरीदने के लिए भी, काफ़ी लोग बिना मास्क के आते हैं, तो इसीलिए कैश का इस्तेमाल करना किसी को भी देने के लिए थोड़ा डर सा लगता है कि नहीं भाई, इससे मतलब हमें खुद को रिस्क तो ना हो। तो ऐसे टाइप की सिचुएशन में ऑनलाइन पेमेंट्स अगर अच्छे से चल जाएँ तो बहुत ही अच्छा रहेगा, तो उस टाइप WhatsApp पेमेंट जैसा ऐप अगर फेमस हो जाए इन जगह पे तो काफ़ी सही रहेगा। क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे जो ऐसे दुकानदार वगैरह होते हैं वो WhatsApp पर ही अपना धंधा चलाते हैं आजकल की दुनिया में, काफ़ी सारे लोगों ने बोला है कि आप हमको बस WhatsApp कर दीजिए, आपको क्या ऑर्डर देना है हम भिजवा देंगे इमीडिएटली, और सही से ऑर्डर आ भी जाता है। तो अगर इस टाइप की सर्विस उन्होंने कर रखे और पेमेंट भी हम वहीं से कर सके, तो उस तरह से बहुत ही अच्छा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि WhatsApp का ओनर जो पेरेंट कंपनी है, जो ओनर है WhatsApp का, वो Facebook है। अब Facebook इस कंपनी का प्राइवेसी ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। आप थोड़ी भी न्यूज़ गूगल कर लीजिए Facebook प्राइवेसी, आपको इमीडिएटली हज़ारों रिपोर्ट्स दिख जाएंगे कि किस तरह से Facebook ने आपकी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। Facebook के यूज़र्स को हमेशा जो उनका डेटा होता है वो बेसिकली आप समझ लीजिए कि वो ऐड के लिए बेच दिया गया है परमानेंटली, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। आप Facebook जो एक एक चीज़ करते हैं वो कंपनी ट्रैक करके उससे कोशिश करती है कि एडवर्टाइजर्स को दिखा दे, और उस तरह से वो पैसा बनाती है। तो इसीलिए WhatsApp की पेरेंट कंपनी Facebook है। अब WhatsApp के चैट्स जो होते हैं वो तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, यानी कि आप अगर
अपने फोन से दूसरे फोन पे, मतलब दूसरे किसी फोन पे मैसेज कर रहे हैं, तो 90% केसेस में पूरी तरह से इनक्रिप्टेड है, वो कोई और पढ़ नहीं सकता है। बस एक एक्स्ट्रा यूज केस होता है कि अगर आपने चैट बैकअप कर रखा है तो ऑनलाइन बैकअप जो होता है गूगल ड्राइव और आईक्लाउड में, शायद वो उतना स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन आपको ना मिले उसमें, लेकिन जो मेन चैट होती है आपके और किसी और के बीच में वो तो इनक्रिप्टेड है। लेकिन क्या व्हाट्सएप पेमेंट भी इसी तरह से इनक्रिप्टेड और सिक्योर रहेंगे? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो अलग टेक्नोलॉजी है, उसकी एंड टू एंड इनक्रिप्शन का उन्होंने बात नहीं किया है पेमेंट के टाइम पे, और सिक्योरिटी वगैरह की ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की है अभी तक। तो मुझे नहीं लगता सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी आपको इसमें मिल सकती है, वो मुमकिन है या नहीं वो भी पता नहीं है मुझे ऑनेस्टली। तो लेकिन जितना मैंने ऑब्जर्व किया है इन चीज़ों को, उसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि पेमेंट्स में उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी आपको नहीं मिलेगी। तो भले ही आपका डेटा सिक्योर है, यानी आपके जो पैसे वगैरह जो आपके जा रहे हैं उस ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी भले ही रहे, लेकिन आप ये ज़रूर सोच सकते हैं थोड़ा सा कि जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं ये फेसबुक को शायद पता होगा कि आप इस मर्चेंट को भेज रहे हैं बार बार पैसे, या फिर अपने दोस्त के और आपके बीच में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ये शायद फेसबुक कंपनी ट्रैक करके वो आगे किसी और तरीके से इस्तेमाल करे। पता नहीं मुझे कैसे कर सकते हैं वो, लेकिन इसीलिए थोड़ा फेसबुक कंपनी उसकी पेरेंट कंपनी होने के कारण मुझे थोड़ा सा डर लगता है। अब एक लास्ट चीज़ के बारे में हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर, कि हाल ही में एक न्यूज़ रिपोर्ट आई थी कि NPCI ने कहा है कि NPCI यानी जो बेसिकली UPI जिन्होंने बनाया है ये इंटरफेस और सारे ऐप्स को जो रेगुलेट करती है वो वाली बॉडी, उन्होंने कहा है कि किसी भी ऐप का 30% से ज़्यादा मार्केट शेयर नहीं हो सकता है। तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि अगर आप 30% से आगे बढ़ गए तो आपको नीचे लाना पड़ेगा। तो जैसे गूगल पे जैसा ऐप है जो डोमिनेंट प्लेयर है, फोन पे भी काफ़ी डोमिनेंट प्लेयर है मार्केट में, तो ये दोनों 30% से ऊपर मार्केट शेयर रखते हैं, तो इनको अभी लिमिट करना पड़ेगा और नीचे लाना पड़ेगा मार्केट शेयर को। तो इससे क्या होता है कि दूसरे ऐप्स को थोड़ा बढ़ावा मिल जाता है, जैसे कि अगर गूगल पे में समझ लीजिए 100 लोग UPI यूज़ कर रहे हैं, उसमें से 40 गूगल पे में चले गए, तो गूगल पे को उस नंबर को कम करके 30 पर लाना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप देख लीजिए, अगर कोई नया प्लेयर अभी आ गया मार्केट में, जैसे कि व्हाट्सएप पेमेंट्स आ गया है, तो उसको 0 से 30 में जाने में बहुत कम समय लगेगा, बिकॉज ये रेगुलेशन के कारण दूसरे ऐप्स बढ़ नहीं सकते हैं, और जो थोड़े नीचे अटक गए थे UPI वाले ऐप्स बैंक्स वगैरह के, उनको भी थोड़ा आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अब इस मूव से पूरी तरह से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको कह दूंगा कि मैं पेमेंट्स में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इस बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। बस ये कहूँगा कि व्हाट्सएप पेमेंट्स को आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका है भारतीय मार्केट में। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जितना मैंने बताया व्हाट्सएप पेमेंट्स वगैरह के बारे में, उससे काफ़ी ज्ञान बढ़ा होगा आपका। तो चलिए अभी आपके सवालों के भी जवाब दे देते हैं। तो सबसे पहला सवाल है गुलाम गौस जी का। इनका कहना है कि सर, मेरा मानना है कि व्हाट्सएप पेमेंट गूगल पे से आगे नहीं निकल पाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पेमेंट गूगल पे से सिक्योर नहीं होगा। जी गुलाम जी, मुझे भी नहीं लगता है कि वो आगे निकल पाएगा, अगर ये NPCI का जो रेगुलेशन है 30% मार्केट शेयर वाली लिमिटेशन का, तो मैक्स वो 30% पे ही आ पाएगा, उसके आगे जाने के लिए रेगुलेशन को बदलने की ज़रूरत है। लेकिन सिक्योरिटी की वजह से क्या वो आगे निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा, ऑनेस्टली मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता है कि सिक्योरिटी हो या ना हो उससे इतना फर्क पड़ेगा व्हाट्सएप के पेमेंट्स पे, क्योंकि बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी तो आपको देंगे। अगर आपका पैसा वगैरह उसमें चोरी हो जाता है तो फिर व्हाट्सएप पेमेंट आगे कैसे बढ़ पाएगा? तो उतनी बेसिक सिक्योरिटी तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मिल जाएगी, लेकिन उसके आगे डेटा प्राइवेसी वगैरह के चक्कर में किसी का मार्केट शेयर ऊपर या नीचे होना इस स्पेस में मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड अलग चीज़ की है। डिमांड है सिंप्लिसिटी, कन्वीनियंस, यानी कि क्या होता है कि जल्दी से आप पैसे भेज दें, जल्दी से पैसे रिसीव कर लें। अगर वो कन्वीनियंस हो, जहाँ पर आप ऑलरेडी किसी दुकानदार को मैसेज करके बोल रहे हैं कि मेरा ऑर्डर आप प्लेस कर दो, वहीं पर आप अगर किसी को पैसे भी दे सकते हैं तो वो तो बहुत ही बढ़िया बात होती है। इसीलिए कन्वीनियंस फैक्टर के कारण वो गूगल पे को कड़ी टक्कर तो ज़रूर दे सकता है। व्हाट्सएप इतने सारे लोगों के पास में है और पेमेंट्स का इस्तेमाल करना, मतलब वो ऑप्शन दिख गया अगर लोगों को, 10% लोग भी उसमें साइनअप कर लेते हैं तो भी बहुत बड़ा नंबर होता है, गूगल पे को टक्कर ज़रूर दे सकता है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अगला सवाल है देवशीष नाहक। इनका कहना है कि गूगल पे इज़ बेस्ट इन माई व्यू, आपके हिसाब से बेस्ट कौन सा हो सकता है? देखिए देवशीष जी, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ आपको कि जो ऐप आपके लिए चलता है वो सबसे बढ़िया है। अभी गूगल पे ऐप आगे बढ़ा था क्योंकि जब आया था बहुत बढ़िया बढ़िया कैशबैक दिया करते थे वो लोग, तो इसीलिए काफ़ी लोगों ने साइनअप कर लिया और उसी पर अभी वो आ गए हैं। तो अच्छा ऐप है वो, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन बाकी जो UPI ऐप्स हैं वो भी कोई ख़राब नहीं है ऐसे। अगर आप देख लेंगे, मैंने गूगल पे यूज़ किया है, मुझे पसंद है, फोन पे यूज़ किया है वो भी पसंद है, पेटीएम यूज़ किया है वो भी अच्छा है, तो व्हाट्सएप पेमेंट भी देख लेते हैं कैसा चलता है। तो इनमें से किसी ऐप को मैं ऐसे बेस्ट का टाइटल तो नहीं दूंगा, क्योंकि ये स्पेस ही ऐसा है कि इसमें क्या है, बेसिकली पैसे भेजने और पैसे लेने से मतलब है। जब तक वो बेसिक फीचर चल रहा है, ऐप जल्दी से लोड हो रहा है, तो कोई कंप्लेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मेरा कोई ऐसा फेवरेट ऐप तो है नहीं पर से, बट आपको गूगल पे पसंद है ये बहुत ही अच्छी बात है। आपके ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे दर्शकों में जिनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है गूगल पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निश्चय मिश्रा, ये भी हमारे रेगुलर व्यूअर है, इनका कहना है कि सिक्योरिटी कंसर्न जरूर होंगे, अगर व्हाट्सएप पे सिक्योरिटी को मैनेज कर लेता है तो जरूर सफल होगा, क्योंकि व्हाट्सएप की रीच बहुत है एज कम्पेयर टू गूगल पे। बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने अभी यही पॉइंट बताया था।
तो अगर आपके पैसे जो हैं, जो ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी होती है वो अच्छे से कर लें तो डेफिनेटली सफल होने के चांसेस है व्हाट्सएप पेमेंट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, टेकोमेनिया, इनका कहना है कि व्हाट्सएप पॉपुलर है पर एफबी के साथ में काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेशन ने थोड़ा डाउट लगा दिया है लोगों के मन में, क्योंकि एफबी तो आपको पता ही है, देखते हैं लोग व्हाट्सएप को एक्सेप्ट करते हैं, व्हाट्सएप पेमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। वैसे अगर इन्हें पेटीएम मोबीक्विक जैसे ऐप्स को टक्कर देनी है तो इनको सिक्योरिटी पर ध्यान देना होगा और काफ़ी ऑफर्स कैशबैक वगैरह देने पड़ेंगे, नहीं तो ये मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। अभी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि वो कैशबैक वगैरह देने से इनिशियल सर्ज मिलती है किसी भी ऐप को, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि व्हाट्सएप जैसे आपको ये कैशबैक वगैरह ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक स्टिकर्स वगैरह कुछ दे दें वो या फिर थोड़े 5-10 रुपए के कैशबैक्स भी दे दें तो इनिशियल साइनअप तो हो ही जाएंगे, क्योंकि क्या है ना व्हाट्सएप ये ऐप ऑलरेडी लोगों के पास है। अब गूगल पे जैसा ऐप क्या है, नया ऐप है मार्केट में, तेज़ नाम से पहले आया था, तो लोगों को साइनअप कराने के लिए उनको कैशबैक देने पड़े। अब आपके पास कैशबैक आने लग गया, आपने दोस्तों को बुला रहे, देखो भाई यहाँ पे फ्री का पैसा मिल रहा है, आ जाओ आप भी, तो इसीलिए लोग आ गए उस ऐप पे और इस्तेमाल करने लग गए, वो बस उस तरह से बढ़ी थी। लेकिन व्हाट्सएप जैसा ऐप क्या है, सबके पास है ऑलरेडी, पेमेंट एनेबल कर देंगे वो लोग, 10 लोग यूज़ करना शुरू कर देंगे, 3-4 रुपए के भी कैशबैक मिल जाएंगे तो भी लोग खुश रहेंगे, क्योंकि उनको नया ऐप खोल के फिर साइनअप करके वो जो क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस एक होती है ना, वो उसमें नहीं होगी जो व्हाट्सएप में आपको मतलब ईज ऑफ यूज़ मिलेगा वहाँ पे, इसीलिए मुझे नहीं लगता उनको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी साइनअप वगैरह कराने के लिए लोगों को। लेकिन आगे ग्रोथ का देखते हैं, वो फीचर्स के ऊपर है और जैसा आपने कहा सिक्योरिटी वगैरह के ऊपर भी है, तो वो तो हमें मतलब समय ही बता पाएगा कि क्या हो सकता है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, किंग आजमी का कहना है iOS में कब आएगा। देखिए जी अभी ऑनेस्टली मुझे पता नहीं है इसका आंसर, देखते हैं कब आएगा। अब भारत में iOS का आई थिंक 3-4% मार्केट शेयर होगा मैक्सिमम, तो अभी पहले लॉन्च करेंगे भारत में तो एंड्रॉयड पे ही करेंगे, क्योंकि उसमें ही मैक्सिमम लोगों के आने के चांसेस है ऑन द प्लेटफॉर्म, लेकिन उसके बाद में वो iOS पे भी लेके आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कोई ऐसे बैरियर होना चाहिए, सच टेक्नोलॉजी वाइज आराम से ला सकते हैं, बट अगर पहले ट्रायल करना है, रोल आउट करना है, तो भारत में एंड्रॉयड पर ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसी प्लेटफॉर्म पर हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी अभिषेक पटेल जी का कहना है कि हेलो सर, व्हाट्सएप पेमेंट अच्छा है लेकिन इससे ज़्यादा सिक्योर मेरे लिए गूगल पे और पेटीएम है। देखिए अभिषेक जी, यूज़ करने के बाद में आपका अगर ऑडिट वगैरह हो जाए उसके बाद में ही हम सिक्योरिटी वगैरह की बात कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो आपका पॉइंट है कि आपको पेटीएम गूगल पे पसंद है वो तो अच्छी बात है, मतलब ये ऐप्स कोई ख़राब नहीं है, अगर आपको पसंद आ रहे हैं उसे यूज़ कीजिए, मतलब बहुत ही अच्छी बात है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, सैयद मोहम्मद इरशाद जी, ये भी रेगुलर व्यूअर है, इनका कहना है कि प्रणय भाई नमस्कार, मैं अभी इसका यूज़ नहीं करूँगा व्हाट्सएप पेमेंट्स का, जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है हर कंपनी इसका ध्यान रखती है, मेरे विचार से व्हाट्सएप पेमेंट अभी नया है, इस पर लोगों को भरोसा करने में समय लगेगा। व्हाट्सएप की इमेज लोगों में मैसेज एक्सचेंज करने वाली है और सोशल साइट की है, ऐसे में फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पे उतरना ये लोगों को हजम नहीं होगा और मेरे विचार से ये एक काफ़ी बड़ा कारण बनेगा इसकी सिक्योरिटी को लेकर। जी सैयद जी, अभी ऑनेस्टली आपका पॉइंट सही है कि उसको समय लगेगा वही इमेज बनाने में, और वो जो एक ऐसे इमेज बन जाती है ना कि मतलब सोशल साइट या मतलब मैसेजिंग के ऐप जो होते हैं उसमें हम पेमेंट्स क्यों करें, ऐसे भी आप मतलब सोच रहे होंगे कि थोड़ा बैरियर सा होगा, तो वो थोड़ा समय तो लगेगा लोगों को ट्रांजिशन करने में। लेकिन व्हाट्सएप ऐसा ऐप है जो इतने लोगों के पास है, अगर एक नया पेमेंट्स का ऑप्शन आ गया उसमें और एक दो उन्होंने ऐड कर दिए टीवी पे, जैसे समझ लीजिए अभी आईपीएल अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है तो आईपीएल में उन्होंने ऐड डाल दिए, समझ लीजिए ऐसा कोई बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है कि आप व्हाट्सएप पे पेमेंट कर सकते हैं, हज़ारों लोग इमीडिएटली साइन अप कर लेंगे और यूज़ करने लग जाएंगे वो फीचर को। दूसरी बात यह है कि आपने जो कहा ना कि ये मैसेजिंग वगैरह का प्लेटफॉर्म है, उसको पेमेंट्स में कैसे ट्रांजेक्शन करना है, तो अगर आप गूगल पे या फोन पे जैसा ऐप का इस्तेमाल करेंगे पैसे भेजने के लिए, उसमें आप देखेंगे कि आजकल उन्होंने इंटरफेस इस तरह से चेंज कर दिया है कि जब आप पैसे भेजते हैं किसी को वहाँ पर मैसेज भेजने का ऑप्शन भी आता है और वो ऐसे चैट का यूआई टाइप ही लगता है, तो ऐसे लगता है कि आप वहाँ पे लिखा होता है बड़ा सा कि 500 रुपये भेज दिया आपने किसी को और वो चैट के विंडो में आता है, फिर उन्होंने पैसे भेजे तो अगला उनका रिप्लाई आता है कि उन्होंने 400 रुपये आपको वापस भेज दिया है ऐसा कुछ। तो ये सारे ऐप्स भी मैसेजिंग ऐप्स ही बनना चाहते हैं एक तरह से, जो यूआई है उनका उसमें, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता व्हाट्सएप को वो ट्रांजेक्शन करने में इतनी मुश्किल होगी, जिस तरह से आपका मैसेज का इंटरफेस है, आप किसी को टेक्स्ट भेज रहे हैं, जैसे मैं आपको भेज रहा हूँ मैसेज एक व्हाट्सएप पे कि सैयद जी नमस्कार, आप मुझे बोल रहे हैं कि अरे नमस्कार अभी आपको मैं पैसे भेज रहा हूँ 10 रुपये, तो 10 रुपये इमीडिएटली वहाँ बड़ा सा आइकन आ जाएगा कि 10 रुपये आपने मुझे भेज दिए और मैं कहूँगा धन्यवाद। जो चैट में वो सीमलेसली इंटीग्रेट होने का भी फीचर हो सकता है इसमें, तो अगर वो सब ठीक से कर देंगे वो लोग जो व्हाट्सएप वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, इतना बड़ा यूज़र बेस उन्होंने ऐसे मतलब आराम से थोड़ी बनाया, उन्होंने बहुत मेहनत की इसे बनाने के लिए, तो उसे ऑप्टिमाइज ठीक से ही करेंगे मुझे पूरा भरोसा है इसमें। बस हाँ, जो सिक्योरिटी की आपने बात कही थी इसमें मुझे भी उसकी थोड़ी चिंता है, तो देखते हैं अगर वो उसको ठीक से कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता इनके सामने कोई ऐसे रोड ब्लॉक जैसा होगा कि वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए अगला सवाल, तरुण सागर जी जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, इनका कहना है कि नमस्ते प्रणय भाई, मैं ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। जी हम बिल्कुल अच्छे हैं, आपकी दुआ है सब।
आप सब लोग हमारे चैनल पे आते रहते हैं, बार बार बात करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इस तरह लॉकडाउन का माहौल है, हम अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से इतना मिल नहीं सकते, लेकिन आपसे हर हफ्ते बात जो होती है बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो चलिए इनका सवाल देखते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि फ्रीचार्ज, पेटीएम, अमेजोन पे, गूगल पे, फोन पे, पेजैप, मोबीक्विक, ओके बहुत सारे ऐप्स थे, जैसे पेमेंट ऐप के बीच हम व्हाट्सएप पेमेंट का भी स्वागत करेंगे जी, लेकिन मेरा एक सवाल है कि पेमेंट ऐप्स कितने सिक्योर हैं? क्या हम इन पेमेंट ऐप्स पर भरोसा कर सकते हैं, जबकि इनके पास हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक, हमारे बैंकिंग से जुड़ी अधिकतर जानकारियाँ होती हैं? ये प्रश्न उस समय तो और भी ज़रूरी हो जाता है जब खुद भारत सरकार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए जनता को बाध्य कर रही है, ऑफलाइन ट्रांजैक्शन पर तरह तरह के शुल्क लगाकर। जी तरुण जी, देखिए अभी इसमें सिक्योरिटी की जो बात है ना, ये तो अभी ऑडिट के बाद नहीं पता चलेगा कि ये ठीक से सिक्योर है कि नहीं, क्योंकि क्या है ना, आप और हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स नहीं हैं, तो ये आपके कोड वगैरह में कोई बग्स वगैरह लोग ढूंढ के उसे रिपोर्ट करेंगे तभी पता चलेगा। जब बैंकिंग वाले जो साइट्स होते हैं वो अपना रेगुलर ऑडिट करा के सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, तो व्हाट्सएप जैसे ऐप को इसे बढ़ाने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। जहाँ तक मुझे पता है इन सारे ऐप्स में बग बाउंटी प्रोग्राम नाम की एक चीज़ होती है, तो उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर आप ढूंढ लेते हैं कोई बग व्हाट्सएप के कोड में जिससे सिक्योरिटी का ब्रीच हो सकता है, यानी कि किसी की सिक्योरिटी का नाश हो सकता है पूरी तरह से, तो आपको व्हाट्सएप, अगर आप व्हाट्सएप को रिपोर्ट करेंगे तो व्हाट्सएप आपको पैसे देगी उसके लिए। अलग अलग टाइप के बग्स के लिए अलग अलग टाइप का ऐसे इनाम होता है। तो एकदम एक क्रिटिकल बग हो जिससे आप किसी के, मतलब एक व्हाट्सएप मैसेज किसी को भेज देंगे, उसके फ़ोन पर पूरा कब्जा कर सकते हैं आप, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और अगर एक सिंपल कोई मतलब बेसिक वल्नरेबिलिटी हो कि ऐप क्रैश हो रहा है या फिर कोई सिक्योरिटी इशू आ रहा है उसमें इस तरह का कुछ मैसेज भेजने से, तो उसमें शायद कम पैसे मिले। तो इस बग बाउंटी टाइप के प्रोग्राम के कारण क्या होता है ना कि रिसर्चर्स बार बार चेक करते रहते हैं कि आपकी सिक्योरिटी कैसी है। तो व्हाट्सएप जैसे ऐप में सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए इसके कारण, और ऑब्वियसली बात यह है कि बहुत ही टैलेंटेड डेवलपर्स व्हाट्सएप पर काम करते हैं, तो इसीलिए। लेकिन बाकी देखते हैं, आगे समय के साथ ही पता चलेगा। दूसरा चीज़ जो है, आपने कहा था कि इन सारे, जी ये दूसरा पॉइंट है ना, उसमें पूरी तरह से सहमत हूँ, प्राइवेसी की, कि आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप अगर जाते हैं मार्केट में, आप समझ लीजिए चलो आपको चॉकलेट बहुत पसंद है, आपने जाके दुकान वाले से कैश देके चॉकलेट खरीद लिया, इसके पास रिकॉर्ड होता है कि आपने क्या किया? कोई आपको उसके लिए विज्ञापन नहीं दिखा सकता ना चॉकलेट वगैरह के। ऐसा नहीं कि अगली बार आप मतलब रोड पर जाओगे तो कोई आपको पकड़ के बोलेगा नहीं आप चॉकलेट लीजिए, आपको पसंद है, मैंने देखा था आपने वहाँ पर चॉकलेट खरीदी थी। तो उसी तरह से आप ऑनलाइन दुनिया में देख लीजिए, अगर आप इन सारे ऐप्स में ट्रांजैक्शन करते हैं और अगर ये सारे ऐप्स आपका डेटा मतलब बेचना चाहते हैं, अभी रेगुलेशन के कारण शायद वो पूरी तरह से उतना मोनेटाइज ना कर पाए उस डेटा को, लेकिन उनको इतना तो पता होगा कि आप इस ऑनलाइन दुकान पे गए और वहाँ पर आपने एक पेमेंट की है। अब उससे क्या पता चलता है कि जैसे कि समझ लीजिए आपने अमेजोन जैसे साइट पे कुछ खरीदी की है, तो उसमें शायद इमीडिएटली पता ना चले कि एग्जैक्टली क्या खरीदा था, लेकिन काफ़ी सारे छोटे छोटे साइट्स भी होते हैं, छोटे दुकानदार भी होते हैं। तो जैसे कि अब आपके व्हाट्सएप पे कोई चॉकलेट की दुकान आ गई कि समझ लीजिए कि मैंने एक चॉकलेट की दुकान खोल दी, उसका नाम है प्रणय चॉकलेट्स। तो प्रणय चॉकलेट स्टोर है व्हाट्सएप पे नाम उसका, व्हाट्सएप को पता है कि प्रणय चॉकलेट्स ये स्टोर का नाम है, व्हाट्सएप को पता है कि अभी आपने, तरुण जी आपने पैसे भेज दिए प्रणय चॉकलेट्स को, तो प्रणय चॉकलेट से चॉकलेट ही बेचेगा, उसको पता है कि आप चॉकलेट देख रहे हैं। उस तरह से वो कोशिश तो कर सकते हैं कि आपको चॉकलेट के विज्ञापन इंटरनेट पे दिखाने के लिए। अब ये जो है मैंने बस उदाहरण दिया कि किस तरह से आपका डेटा ट्रैक होकर आपको विज्ञापन दिखाए जा सकते हैं, इंटरनेट पे इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रैकिंग होती है। क्या व्हाट्सएप पेमेंट्स ये करेगा ये मुझे नहीं पता है, वो तो समय के बाद नहीं पता चलेगा, कि इस्तेमाल करने के बाद में सिक्योरिटी रिपोर्ट्स वगैरह आने के बाद नहीं पता चलेगा, लेकिन इन सारी चीज़ों का आपको इंटरनेट पर ध्यान जरूर रखना चाहिए। ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कॉमेंट देख के। प्लीज़ अगले हफ्ते भी आप पूछिए सवाल, बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे, मतलब जो सवाल, जिन सवालों का जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है ना, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि बहुत सोचना पड़ता है और बहुत ही मतलब सोच समझ के रिसर्च करके फिर बात करना पड़ता है उसमें, ठीक है। चलिए अगला सवाल, मंदार जुवेकर जी, इनका कहना है कि व्हाट्सएप बिजनेस में पेमेंट वाला ऑप्शन सबसे पहले आना चाहिए था, जिसका इंतजार काफ़ी लोग कर रहे थे, पर ऐसा हुआ ही नहीं। वो काफ़ी यूजफुल है और वहाँ व्हाट्सएप पेमेंट में हमें बाकी ऐप्स की तरह कैशबैक्स या रिवॉर्ड्स फिलहाल नहीं मिल रहे। आशा है कि आगे अपडेट्स के थ्रू ये नए फीचर ऐड होंगे। जी मेरे भी यही आशा है, क्योंकि व्हाट्सएप बिजनेस में बहुत लोगों को बहुत फायदा होगा, इन द सेंस कि काफ़ी सारे छोटे दुकानदार जो होते हैं वो अपने दुकानों को व्हाट्सएप पर लेके जा चुके हैं ऑलरेडी, उसमें पेमेंट्स का इंटीग्रेशन हो जाए, थोड़े बहुत कैशबैक्स वगैरह मिल जाए, तो क्यों नहीं, मतलब सबका ही फायदा होगा ना, इसीलिए आपके कमेंट से मैं सहमत हूँ। आगे बढ़ते हैं, Mac23 का कहना है कि हेलो प्रणय सर, मुझे लगता है कि एक दो साल में व्हाट्सएप पेमेंट गूगल पे, पेटीएम वगैरह को पछाड़ देगा, क्योंकि व्हाट्सएप बहुत पॉपुलर है और बहुत लोग इसे यूज़ करते हैं, इसीलिए व्हाट्सएप पेमेंट जल्दी ही व्हाट्सएप की रीच का इस्तेमाल करके बाकी ऐप से आगे निकल जाएगा। जी आपका लॉजिक एकदम ही परफेक्ट है, मुझे भी लगता है कि वो आगे बढ़ सकता है, बहुत अच्छे चांसेस हैं, लेकिन देखते हैं अभी आगे क्या होता है। मतलब बाकी सारे ऐप्स भी ऐसे शांत तो नहीं बैठने वाले, कॉम्पिटिशन बहुत टफ होगा। मुझे लगता है कि अगले दो साल में 3 या 4 प्लेयर ही बचेंगे मार्केट में,
ऐसे अभी तो बहुत सारी यूपीआई एप्स है, सबके सब एकदम है, तो बैंक के ऐप्स के अलावा जितने प्राइवेट यूपीआई एप्स है 3 या 4 बड़े वाले होंगे 2-3 सालों में। उसके आगे मार्केट में उतनी जगह नहीं होगी शायद कि सबको सस्टेन कर पाए, तो देखते हैं आगे क्या होता है, बाकी तो मतलब प्रेडिक्शन की बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र सिंह जी का कहना है कि व्हाट्सएप में बहुत सारे स्पैम लिंक्स आते हैं, मैं इसका यूज़ नहीं करूंगा जी। अभी ये तो एक कंसर्न है ही कि स्पैमर लोग आपको लिंक भेज के कोशिश करें कि आप उनको पैसे दे दें। होपफुली कुछ सिक्योरिटी मेजर्स जो हों व्हाट्सएप में वो अच्छे हों और लोगों को अवेयरनेस भी हो कि भाई किसी को भी हम ऐसे ही पैसे ना भेज दें, ये मेरी भी एक उम्मीद है। अगला सवाल राकेश चौधरी जी का। अभी राकेश जी, आपका सवाल लेने से पहले मैं एक्चुअली एक चीज़ बताऊंगा आपको। कुछ 2 या 3 एपिसोड पहले आपने एक सवाल पूछा था डिस्प्ले वगैरह के बारे में। आपने कहा था कि गूगल का ओलेड और सैमसंग का जो एमोलेड वगैरह जो टर्म्स होता है उसमें अंतर क्या होता है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए मैंने अपने कलीग शुभम रहेजा को बोला है कि भाई आप एक वीडियो बना दो प्लीज़। मेरे छोटे भाई जैसा ही है वो, काफ़ी मेहनत करता है वो भी ऑफिस में बैठ के और बहुत रिसर्च करते रहता है इन सारी चीज़ों पे, उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन सारी टेक्नोलॉजीज़ में। तो उन्होंने एक वीडियो बनाया आपके सवाल के जवाब देने के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि वो आइडिया अच्छा था काफ़ी, हमने सोचा कि इस पर एक अलग वीडियो बन सकता है। तो वो वीडियो आ रहा है कल, यानी कि आज डेट है रिकॉर्ड करते समय, ये है आई थिंक 13 नवंबर को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये। आप ये एपिसोड देखेंगे 14 नवंबर को और 15 नवंबर यानी कि संडे को 1 बजे आएगा वो एपिसोड, ज़रूर देखना आप। अभी इतना मेहनत से वीडियो बनाया फिर आप नहीं देखेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, तो प्लीज़ आप देखिए। बाकी लोगों ने भी काफ़ी ये सवाल पूछे थे डिस्प्ले वगैरह के बारे में, उनके जवाब भी उस वीडियो में मिल जाएंगे, तो ज़रूर देखिए आपको। चलिए आते हैं आपके सवाल पर। अब राकेश चौधरी जी का पूछना है कि नमस्ते प्रणय सर, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ऐप एक अपनी बैंक डिटेल्स के साथ इसके जोड़ना फिलहाल सेफ नहीं होगा। हाल ही में WhatsApp के चैट मीडिया में लीक हुई थी, जैसे लोगों ने WhatsApp के प्रति सिक्योरिटी का विश्वास कम हुआ है, जिससे लोगों के में WhatsApp के प्रति सिक्योरिटी का विश्वास कम हुआ है। जहां तक मेरी बात है तो मैं कतई WhatsApp पेमेंट यूज़ नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हर जगह अपनी बैंक डिटेल्स के साथ नए पेमेंट ऐप का उपयोग उचित नहीं समझता। जी सिक्योरिटी कंसर्न्स आपके बिल्कुल सही है राकेश जी। अभी ऑनेस्टली अगर मेरे देखिए, अभी बात यह है ना कि नया ऐप जो होता है उस पर इतना इमीडिएटली भरोसा करना सही नहीं होगा, लेकिन ओवर टाइम अगर प्रूव हो जाए कि सिक्योरिटी अच्छी है तो यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है उसे। और वैसे भी UPI क्या है ना, इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि वो अलग अलग ऐप्स के बीच में चलती है, तो आप भले ही गूगल पे, फ़ोनपे, HDFC, ICICI, SBI किसी का भी UPI यूज़ कर लें, आप उसमें से WhatsApp पेमेंट में पैसे भेज सकते हैं और WhatsApp से उसमें पैसे भेज सकते हैं। तो इसी के कारण सबको WhatsApp पेमेंट यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और मैं अपने बैंक के ऐप का ही UPI वाला जो चीज़ है वो यूज़ करूँगा, बाहर के थर्ड पार्टी ऐप्स वाला ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा। ये मतलब मेरी चॉइस है, आपकी चॉइस भी ऐसी है मुझे दिख रहा है, ये सही है बिल्कुल भी, लेकिन जो ट्राई करना चाहते हैं वो ट्राई कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है मतलब कि पैसे गायब हो जाएंगे वगैरह, अगर ज़्यादा फ्रॉड वगैरह होने लगे उसमें तो ऑटोमेटिकली वो भी गवर्नमेंट ब्लॉक कर देगी, सो उसमें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट जैसा आपने कहा है कि इमीडिएटली उसमें कूदना भी सही नहीं होगा, थोड़े दिन देख लीजिए सबकी सिक्योरिटी वगैरह अच्छी है कि नहीं, न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ते रहिए, उसके बाद नहीं जंप कीजिए उसमें, ट्राई कर लीजिए कैसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला सवाल है दीपक रेसवाल जी का। इनका कहना है कि अगर कोई बढ़िया से कैशबैक मिलेंगे तो इसमें तभी मैं यूज़ करूँगा। जी बहुत सारे लोगों का यही कहना है, गूगल पे जिस तरह शुरू में कैशबैक देता था उसी तरह ये भी दे रहे तो अच्छा रहेगा, क्यों फ्री में मिल रहा है अगर ये तो कौन मना करेगा इसे। मनदीप चौधरी जी, ये भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, इनका कहना है कि हेलो प्रणय भैया कैसे हो आप, आपने मेरे पिछले क्वेश्चन को पिक नहीं किया था, खैर कोई बात नहीं। अरे मनदीप जी रियली सॉरी अगर आपका क्वेश्चन मिस हो गया, तो जितने क्वेश्चन रिकॉर्ड करते समय होते हैं ना मैं सारे के सारे लेता हूँ, अगर आपने रिकॉर्ड करने के बाद में भेजा होगा तो ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे अब मैं हर शुक्रवार को रिकॉर्ड करता हूँ ये वाला एपिसोड, और ये समझ लीजिए आप शुक्रवार को 1-1.30 बजे तक रिकॉर्ड हो जाता है, उसके बाद में अगर आप सवाल भेजेंगे तो पिक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर एडिटर को भी टाइम होता है कि वीडियो बनाने में समय लगता है उसे पूरा, इसीलिए मतलब शुक्रवार को 1-1.30 बजे के पहले आप सवाल भेज दीजिए, हमेशा मैं आपका सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं इनके सवाल की तरफ। WhatsApp के इस फीचर के बारे में तो काफी टाइम से रूमर चल रहा है, वैसे लोगों को कोई ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, अगर ये फीचर WhatsApp में बिल्ट इन आ जाए तो हमारे लिए काफी कन्वीनियंट हो जाएगा। वैसे मैंने इसकी सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर मैं कंसर्न हूँ, और इस फीचर के आने के बाद हमारे पेमेंट्स कितने सिक्योर होंगे ये भी जानना चाहता हूँ। देखिए जो आपने सवाल पूछे है ना ये सारे ऑडिट वगैरह के बाद नहीं पता चलेंगे, ऐसे हम अभी इमीडिएटली तो कह नहीं सकते यूज़ किए बिना व्हाट्सएप पेमेंट्स को कि सिक्योर है या नहीं है। मेरी उम्मीद है कि सिक्योर हो, सबके लिए अच्छे से कन्वीनियंट हो जाए। अब काफ़ी सारे लोग जो हैं व्हाट्सएप पर हैं लेकिन किसी भी UPI ऐप पर नहीं है, उन सब लोगों को अगर वो ऑनलाइन लेकर आ जाए और उनको पेमेंट करना आसान हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, लेकिन बाकी अभी बस देखना ही पड़ेगा, कोई मतलब एक्सपर्ट्स इस पर रिसर्च करेंगे उसके बाद में। अब अगला सवाल लेंगे कि गुड्डू कुमार जी का। अब इनका कहना है कि WhatsApp पे में मुझे सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है और मैं चाहूँगा कि Paytm पेमेंट्स अकाउंट बैंक ऐड करना। जी अभी Paytm का पेमेंट्स बैंक अकाउंट आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐप में कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी का जो आपका कंसर्न है ये सही है अभी के लिए,
कुछ समय तक इंतजार करने के बाद में देखते हैं कि कितना सिक्योर है ऐप ये नहीं। इमीडिएटली आप इस्तेमाल मत कीजिए, 6 महीने तक इंतजार कर लीजिए, देख लीजिए किस टाइप के रिपोर्ट्स आते हैं इसके बारे में और फिर आप उसमें साइन अप कर लीजिए अगर आप सहमत है कि सिक्योर है ये ऐप। आगे बढ़ते हैं अभी। महेश कुमार जी का कहना है कि WhatsApp का UI इंटरफेस कैसा होगा, क्या पूरी तरह से सिक्योर होगा, हम इस पे कितना भरोसा कर सकते हैं। अब जैसा मैंने कहा महेश जी, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, हमारे चैनल पे हम आपको बताते रहेंगे अगर कोई भी सिक्योरिटी के इशू आएगी WhatsApp में, यहाँ पर आप देखते रहिए और बाकी तो आप जान जाएंगे आपके दोस्तों से वगैरह कि किस तरह से चलता है। अगर अच्छा रहे तो आप साइन अप कीजिए, अदरवाइज जो आपके एग्जिस्टिंग UPI ऐप्स है वो भी अच्छे ही चलेंगे, उसमें कोई बदलने की जरूरत तो है नहीं। चलिए अभी आखिरी सवाल रितेश रंजन जी का, इनका कहना है कि हेलो सर, मुझे अभी तक WhatsApp पेमेंट का अपडेट नहीं मिला और तो इसकी सारी डिटेल मैं आपसे चाहूंगा, खासकर इसकी सिक्योरिटी पर काफी सवाल उठ रहे हैं, जबकि इसे NPCI की साझेदारी में बनाया गया है, तो हम इस पर भरोसा कर सकते हैं क्या? जी रितेश जी, मुझे तो लगता है कि ऐसे बेनिफिट ऑफ द डाउट मैं अभी आपको देना चाहूंगा, क्योंकि UPI ऐप्स जो है बहुत ही हेविली रेगुलेटेड होते हैं, इसमें काफी सारे, अगर आपको कल पेमेंट ऐप लॉन्च करना है इमीडिएटली परमिशन नहीं मिलती है। नंबर वन चीज़ आपको चाहिए एक बैंकिंग पार्टनर, आपके UPI ऐप के साथ में कोई ना कोई बैंक का टाइप होना ही चाहिए, अदरवाइज क्या है ना वो जो UPI ID बनता है वो आपका बन नहीं पाएगा। तो आप अपना UPI ID देख लीजिए, फोनपे में आपको मिलता है @YBL, यानी कि येस बैंक के साथ में फोनपे का टाइप है। उसी तरह से आप गूगल पे देख लीजिए, उसमें होगा OK Axis या OK SBI, तो वो जो OK Axis SBI है ना वो आपके बैंक का ID है एट द एंड ऑफ द डे, मतलब एक्सिस बैंक, SBI, इस सब के ID आते हैं। तो बैंकिंग पार्टनर नंबर वन चीज़ चाहिए। काफ़ी सारे सिक्योरिटी ऑडिट्स होते हैं, काफ़ी सारे चेक्स होते हैं, NPCI की अप्रूवल चाहिए होती है बनाने से पहले। फिनेंशियल ऐप्स जो होते हैं भारत में उसको बनाने से पहले बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चेक्स तो होती हैं डेफिनेटली। अब ये कहने के बाद में मैं ये भी आपको कहूँगा कि इसके बाद में भी आप ऐसे आँख बंद करके भरोसा मत कीजिए WhatsApp पे। आपको WhatsApp पेमेंट की अपडेट मिल भी गई तो भी थोड़ा इंतजार कीजिए, देख लीजिए दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है कि सिक्योरिटी वगैरह अच्छी लग रही है नहीं, उसके बाद में ही आप साइन अप कीजिए। क्यों अपने पैसों के साथ में रिस्क वगैरह लेना है, थोड़े दिन इंतजार कर लिया तो क्या जाएगा, जो आप ऐप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं वो तो चलते ही रहेंगे और उसी पर बने रहिए, आप देखते रहिए रिपोर्ट्स वगैरह यूज़ करने से पहले। तो इस एपिसोड के लिए इतना ही, मुझे आशा है कि आप सब लोगों को अपने सवालों का जवाब मिल गए और WhatsApp पेमेंट्स के बारे में जो जानकारी चाहिए थी वो भी मिल गई यहाँ पर, और उम्मीद है कि आप अगले हफ्ते भी आएंगे टेक आपकी जुबान में का नया एपिसोड देखेंगे। बुधवार गुरुवार को उम्मीद ये भी है कि आप कम्युनिटी पोस्ट में आके कमेंट डाल देंगे ताकि आपके सवालों के जवाब यहाँ पर मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्नोलॉजी की और जानकारी चाहते हैं तो हिंदी .gadget360.com पर जरूर जाइए।